एवरीवन, तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। भैया के चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं ले जाने वाला हूँ पटना के न्यू बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड के पास। तो चलिए वीडियो में आ रहे हैं। दोस्तों पैदल ही यहाँ से शायद 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ऑटो वाला 50 रुपये मांगता है। स्पेशली बोला कि 50 रुपये दीजिए तब वहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मली भाड़ा यहाँ से बस मात्र 10 रुपये है। यहाँ से पैदल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये झूठ का कहाँ से देंगे, ऐसे ही इतना फालतू थोड़े ना पैसा है। जा रहे हैं पैदल 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहे हैं ही। मैं यहाँ से क्या टमटम मोड़ से सीधा जा रहा हूँ। वहाँ पे जेल मोड़ शायद बोलता है, जेल मोड़ से फिर वहाँ से किसी से पूछेंगे, डायरेक्शन वहाँ से लेंगे और आपको वो भी सही डायरेक्शन बताएंगे, सही लोकेशन बताएंगे न्यू बस स्टैंड। अभी तक हमको खुद सही लोकेशन नहीं पता है। अभी हम जेल मोड़ के पास हैं, फुलवारी शरीफ का कैंप जेल मोड़ है वहाँ पर है। वहाँ से कुछ भैया को बोले तो बोले कोई कि पीछे है, कोई बोल रहा है नहीं आगे है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे जाते हैं, कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कहाँ पे है इसका एग्जैक्ट लोकेशन। फाइनली दोस्तों इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमको मिल चुका है, काफ़ी खुशी हुई। एक भैया बताएं कि यही बाउंड्री जो दिख रहा है इसके अंदर ही काम चल रही है यहाँ पे, मतलब कि न्यू हाईटेक बस स्टैंड का। चलिए यहाँ से मेन गेट थोड़ा सा आगे है, बस मेन गेट से चलते हैं, वहाँ से पूरा व्यू देते हैं आपको हाईटेक बस स्टैंड का। इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको भी समझ में आ गई होगी, बस फुलवारी शरीफ जेल मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। फुलवारी शरीफ जेल मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, जैसे ही आपको ये हाईटेक बस स्टैंड आपको न्यू वाला देखने को मिल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी न्यू हाईटेक बस स्टैंड के पास। यही है मेन बस स्टैंड न्यू जो अभी बनने वाला है। अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। काफ़ी हाईजेनिक तरीका से यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी हाईटेक बस स्टैंड होने वाला है। यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन ले लेंगे, पहले यहाँ से परमिशन लेके जाएंगे, अंदर का वीडियो बनाएंगे, परमिशन मिलेगा तो अंदर का वीडियो बनाते हैं सबसे पहले। चलिए सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन सकते हैं। अगर आपको न्यू DL बनवाना होगा तो यहीं पर आपको टेस्ट ड्राइविंग देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ काम वगैरह हो रहा है, वहाँ से काम करके निकल रहा है गाड़ी, काफ़ी धूल उड़ रही है। अगर आपको न्यू लाइसेंस भी बनाना होगा पटना में तो आपको यहीं पे टेस्ट ड्राइविंग देना होगा। देख सकते हैं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है, यहीं पे टेस्ट ड्राइविंग होगा। चलिए अंदर चलते हैं, न्यू हाईटेक बस स्टैंड का कुछ सीन दिखाते हैं। आप जैसे ही अंदर इंटर कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं, इनसे पूछते हैं परमिशन लेते हैं वीडियो बनाने का, अगर वीडियो बनाने का परमिशन होगा तो लेंगे, परमिशन है ऐसे तो ऑल ब्लॉगर ले रहा है। आप देख सकते हैं आपको दिख जाएगा यहीं से न्यू हाईटेक बस स्टैंड, यहाँ से सारी बसें खुलेंगी बिहार के लिए। यहाँ से यहाँ पर बोला गया कि शायद 200 बसें यहाँ रुकने के यहाँ पे व्यवस्था की गई। तो काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है यहाँ पे न्यू हाईटेक बस स्टैंड का, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इतना डेवलपमेंट बिहार में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी हाइजेनिक तरीक़ा से यहाँ पे बनाया गया है बस स्टैंड इसका। चलिए अंदर से पूरा बहुत बड़ा है बस स्टैंड है, आगे तक है पूरा, इसका हर एक चीज़ दिखाएँगे आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। देख सकते हैं शायद 23 या 24 फरवरी को इसका उद्घाटन है। ट्राई करेंगे आपको अंदर से दिखाने का यहाँ पे बस स्टैंड कितना बड़ा है, पूरा ग्लास का बना हुआ है, मॉल से भी अच्छा लग रहा है एकदम। इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं काफ़ी अलग है एकदम, बिल्कुल मॉल से भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस वगैरह भी है इधर, कहाँ पर बुकिंग वगैरह होगा सब कुछ दिखाएँगे आपको। चलिए वीडियो में कंटिन्यू। अच्छा न्यूज़ एक्सप्रेस, हाँ देखे थे उसका 23 फरवरी से शायद नीतीश कुमार से उद्घाटन करने वाले हैं। जब पेपर नहीं मिला है, नहीं कोई पेपर यहाँ पर है सबूत। अच्छा किसे किससे बात की जो आपको जानकारी मिल गया था, सॉरी सही बात। अच्छा। गूगल में डाल दिया। हाँ हाँ अच्छा, इसलिए परमिशन बंद कर दिया गया। अच्छा जिस दिन होगा उस दिन अपना जो है अपने पेपर लगे कि होने वाला है। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद।